टॉपिक है जीएस पेपर वन का फॉरेस्ट। बेसिकली इसमें तीन टॉपिक होते हैं, फॉरेस्ट, सॉयल एंड वाटर। ऑब्वियसली इन्हीं तीन में से क्वेश्चंस घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। आज हमने पिक किया है फॉरेस्ट को। जीएस पेपर वन में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आपसे सलाह मांगता है, आपसे एडवाइस मांगता है रिगार्डिंग अभी फॉरेस्ट फायर। नॉट ओनली यूरोप और साउथ अमेरिका में काफी ज्यादा लार्ज स्केल पे हुआ है। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे, फॉरेस्ट फायर से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सो आपसे पूछा जाता है कि फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट करने के लिए, तो आप उसका रिवर्स कर दें, यानी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नीड नहीं भी पूछे तो भी आप चार लाइन लिख दो, नीड क्यों है फॉरेस्ट को कंजर्व करने की। आप चाहो तो गांधी के स्टेटमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। गांधी जी का कहना था कि द अर्थ हैज इनफ टू एवरी वन नीड बट नॉट फॉर और नॉट टू ग्रीड। यहां गांधी का रिसोर्सेस की तरफ इशारा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जिसमें फॉरेस्ट भी एक कंपोनेंट है नेचुरल रिसोर्स का, आप अगर नेचर के साथ हार्मोनी में रह करके काम करेंगे तो आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। फॉरेस्ट बाय द वे जरूरत क्या पूरा करेगा हमारा? स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट टाइम से सोचें आप, कोविड का टाइम चल रहा था, आपको पता होगा एक टर्म यूज किया जाता है एपीआई, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं इसे हम, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं इसे हम, एडिड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसी से मेडिसिन बनाया जाता है, यानी एपीआई मेडिसिनल यूज। तो मेडिसिनल प्लांट्स कहां से मिलेंगे हमें? ऑब्वियसली फॉरेस्ट से मिलेगा। आपने बहुत सारे प्लांट के बारे में सुना होगा जो हिमालय में मिलता है आज भी। ये करंट से अगर आप सोचना शुरू करें, आपको रटना नहीं होता है किसी भी चीज को। अगर आप एक जनरल अवेयर पर्सन है तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। मैं खुद भी रट के नहीं आया कि वो चीजें सारी आपको लिखवाने जा रहा हूं। जैसे जैसे आप सोचना शुरू करेंगे वो प्रोसेस बढ़ता जाएगा। हमने स्टार्ट किया कोविड के टाइम से कि फॉरेस्ट आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है। फॉरेस्ट आपको एपीआई प्रोवाइड करवाता है और इंडिया इसी दम पे खुद को फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड बोलता है, ग्लोब का सबसे ज्यादा एपीआई। हालांकि अब चाइना ने ओवरटेक कर लिया है, बट हम सेकेंड नंबर पे अभी प्रोड्यूस करते हैं। और क्या प्रोवाइड करवाता है एपीआई? तो मिलेगा किसे? साइंटिस्ट को मिलेगा। और क्या प्रोवाइड करवाएगा ये? फ्यूल प्रोवाइड करवाएगा, खास करके किनको? जो ट्राइबल्स हैं। फ्यूल से आपको याद आएगा कि उनके लिए कानून अलग से बनाए गए हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनके लिए अलग से बनाया गया है। फ्यूल मिलेगा। इंडस्ट्री को क्या मिलेगा? ये तो ट्राइबल्स के लिए हो गया। इकोनॉमी को क्या मिलेगा? इकोनॉमी को रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा, चाहे वो पेंट के लिए हो, रेनिन हो, प्लांट हो, वुड हो, इसके फॉर्म में रॉ मटेरियल मिलेगा इंडस्ट्री को। स्टेट या नेशन को क्या मिलेगा? या सोसाइटी को क्या मिलेगा ओवरऑल? हालांकि अब रेलवे ट्रैक में वुड का यूज नहीं किया जाता है, बट लार्ज स्केल पे आज भी हम अपने घर में, ऑफिसेस में या बिल्डिंग्स में वुड मटेरियल का यूज करते हैं, डोर के लिए, अलमीरा के लिए। तो ये सारी चीजें कहां से मिलेगी? फॉरेस्ट से मिलेगी। दो लाइन का इंट्रोडक्शन आपका यहां से हो गया कि फॉरेस्ट और ह्यूमन काइंड के बीच में एक स्पेशल रिलेशन है, एक इंट्रिकेट इंटर रिलेशनशिप है।
है ना, आप इसे कनेक्ट कर देंगे थोड़ा सा इमोशन दिखाने के लिए कि फॉरेस्ट हैज एन इंट्रिकेट इंटर रिलेशनशिप विद मैनकाइंड सिंस टाइम इमोरियल। उसके बाद आप वहां दिखा देंगे बाकी के लाइन में कि फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस मेडिसिनल प्लांट फ्यूल रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा, ऑब्वियसली शेल्टर वगैरह भी ना भूले आप मेंशन करना। अगर ह्यूमन बीइंग के लिए या स्मॉल स्केल पे तो जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए तो लार्ज स्केल पे प्रोवाइड करवा रहा है, ये ओवरऑल इकोसिस्टम को बैलेंस करता है कौन, फॉरेस्ट। और सबसे बड़ी बात, फॉरेस्ट को कहा जाता है लंग, लंग ऑफ द वर्ल्ड। लंग ऑफ द ग्लोब, तो ये ऑक्सीजन के अमाउंट को एक तो एटमोस्फेयर में फिक्स करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। फिर एक और चीज आपको याद आएगा कि भाई कार्बन स्टॉक का काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है तो फॉरेस्ट उसे क्या कर रहा है, क्रस्ट कर रहा है, कार्बन स्टॉक का काम कर रहा है और ये बहुत बड़ा रोल है फॉरेस्ट का। अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग का स्केल मेनी टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो ये आपका इंट्रो का पार्ट है, एक क्यूट के साथ। क्यूट नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप शुरू हो जाए, फॉरेस्ट एन इंट्रिकेट इंटर रिलेशनशिप विद मैनकाइंड सिंस टाइम मेमोरियल एंड इट प्रोवाइड्स अस एपीआई फ्यूल रॉ मटेरियल शेल्टर कार्बन स्टॉक एटसेट्रा। ठीक है, इंट्रो का पार्ट खत्म होता है। अब आप आइए मेन क्वेश्चन पे, वो पूछ रहा है कि नीड, जरूरत क्यों है। तो जरूरत इसलिए है बिकॉज अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल, बहुत सारे इसके निगेटिव पॉइंट होंगे फिर। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा मैप बनाए और ये सारे पांच टाइप के दिखाएं, ये तब आप दिखाएं जब आपसे ये पूछा जाए कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट या ऐसा कुछ गुंजाइश बनता है ये मेंशन करने का, तो आप दिखाएं कि इंडिया में पांच तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 लेवल करके लगाया हुआ है। जो फर्स्ट टाइप का है वो है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, ये वन टाइप वाले में आता है, जहां जहां हमने वन लिखा हुआ है। ये जो पोर्शन है वो स्लोप है वेस्टर्न घाट का, ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ ईस्टर्न का हिल एरिया है, ना कि अरुणाचल। अरुणाचल में नहीं पाया जाता वो, अरुणाचल में फोर्थ टाइप का माउंटेन फॉरेस्ट मिलता है हमें, एंड अंडमान निकोबार में ऑब्वियसली जो 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। सेकेंड आता है ट्रॉपिकल डिसीड्यूस, ट्रॉपिकल डिसीड्यूस यूपी और बिहार, पर्टिकुलरली यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर वहां फॉरेस्ट से रिलेटेड आता है तो ये मेंशन करना ना भूले कि यूपी और बिहार में जो जनरली है वो ट्रॉपिकल डिसीड्यूस फॉरेस्ट पाया जाता है, एज वेल एज हरियाणा में भी, हरियाणा के कुछ पोर्शन में। ट्रॉपिकल थॉर्न, ट्रॉपिकल थॉर्न थर्ड नंबर पे है, ये पंजाब राजस्थान और ऐसे इलाके जहां पे माउंटेनियस या डेजर्ट टाइप के इलाके हैं वहां पे ट्रॉपिकल थॉर्न टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अरुणाचल हो गया, कुछ इधर का पार्ट हो गया, साउथ का पार्ट हो गया। यहां हमने एक टर्म यूज किया है सोला, एक्चुअली ये सोला केरला में पाया जाता है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का फॉरेस्ट होता है, टेम्परेट टाइप का, ये एक्सेप्शन है। एंड लिटरल एंड स्वैम आप जहां ये ईस्टर्न घाट के साइड में देखेंगे, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पे जो वो झील वगैरह है, लेक वगैरह है, वहां पे वो मिलता है। लेकिन ये जबरदस्ती नहीं दिखाना है आपको। अगर आपसे पूछा है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की जरूरत क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका सजेशन क्या है, कुछ इनोवेटिव आइडिया दो, तो जबरदस्ती का नहीं घुसना है कि हमारा मार्क्स बढ़ जाएगा, ये लाइन बढ़ जाएगा, वो और नंबर काट लेगा। इसकी गुंजाइश हो तभी आप दें। हाँ, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो मैंने यहां मेंशन कर दिया। तो अपना ये इंट्रो पार्ट कंप्लीट होता है गांधी जी के इस क्यूट के साथ कि अर्थ है इनफ टू एवरीवन, एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीन, बट नॉट टू ग्रीन। ठीक है, आपने समझा दिया कि फॉरेस्ट आपको क्या दे रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज करें,
है ना, बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं कि फॉरेस्ट से हमें फ्यूल मिल रहा है, फॉरेस्ट से हमें फूड मिल रहा है, फॉरेस्ट से हमें ग्रास मिल रहा है, फॉरेस्ट से हमें वुड मिल रहा है। आप थोड़ा टेक्निकल बनो, कोविड के टाइम पे हर किसी के जुबान पे आ गया होगा एपीआई टर्म, तो ये एपीआई आपको ऑब्वियसली फॉरेस्ट से मिल रहा है, रॉ मटेरियल आपको फॉरेस्ट से मिल रहा है, शेल्टर एंड कार्बन स्टॉक, ये दो टेक्निकल टर्म है, आप जरूरी से मेंशन करें, ठीक है, इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक छोटा सा इंट्रो दे करके कि फॉरेस्ट का रिलेशन कैसा है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये मेरा लैंग्वेज है, हो सकता है कुछ लोगों को ये थोड़ा सा डिग्रेस टाइप का लगे, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं, फॉरेस्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये हो गया जी इंट्रो। अब जरूरत क्यों, फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, तो ये यहीं से आंसर मिल जाएगा इसका कि फॉरेस्ट हमें देता क्या है, बचाता किन चीजों से। सबसे पहले तो फॉरेस्ट हमें बचाता है डेजर्टिफिकेशन से, फॉरेस्ट हमें बचाता है रेनफॉल नहीं होने से यानी ड्रॉट से। तो अगर हम फॉरेस्ट की नीड की बात करें, वाई कंजर्वेशन, तो इससे पहले कि सीधा लॉ पे आ जाए कि कौन सा लॉ कहता है कंजर्व करो, उससे पहले हम मेंशन करें कि ये हमें प्रोवाइड क्या क्या करवाता है। ये हमें प्रोवाइड करवाता है सफिशियंट रेनफॉल, रेनफॉल अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ड्राउट होगा। मैं केवल पॉइंट वाइज लिख देता हूं, आप इसमें ई चार एम का यूज करके आराम से दो लाइन लिख सकते हैं। ये आपको देता है रेनफॉल, ये आपको देता है सफिशियंट एक तरीके से पास्चर जहां पे आपके एनिमल्स ग्रेजिंग कर सकते हैं जाकर के, यानी एनिमल हस्बेंड्री प्रोवाइड करवाता है ये आपको, पास्चर लैंड आप कह सकते हैं। आप कहेंगे क्या जो ग्रास का लैंड है वो भी फॉरेस्ट में आता है, एक्चुअली जब हम यहाँ फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट का मतलब यहां पर है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से मतलब है हमारा। तो ये हमें प्रोवाइड करवा रहा है पास्चर लैंड, हालांकि ग्रेजिंग को डिफॉरेस्टेशन का एक फैक्टर माना गया है, बट हम ऐसे ग्रेजिंग की बात नहीं करें, वो ओवर ग्रेजिंग है, नेचर का अपना बैलेंस है। आप चाहे तो ये क्यों भी मेंशन कर सकते थे कि नेचर हैज इट्स ऑन बैलेंस। So, मैं ओवर ग्रेजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको एनिमल हस्बेंड्री प्रोवाइड करवा रहा है, और क्या दे रहा है हमें, जंगल से और क्या चीजें मिल सकती है। आप अगर आपके पास अगर पॉइंट्स कम पड़ने लगे तो आप इसे फिर सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्म में सोचना शुरू कर दें, है ना, ये आपको सॉयल इरोजन से बचाता है, और जब सॉइल इरोजन से आप बचेंगे तो आप बच गए किससे, फ्लड से बच गए आप, या उल्टा कर दें, आप फ्लड से बच गए तो सॉइल इरोजन से बच गए आप, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा लैंड का, और क्या प्रोवाइड करवाता है इकोसिस्टम के टर्म में, आप सोचो ये प्रोवाइड करवाता है डाइवर्सिटी ऑफ अ स्पीसीज, यानी बैलेंस्ड इकोसिस्टम, आपने ई आर एम का यूज करके पांच लाइन यहां पे मेंशन कर दिया, चार लाइन उधर आपने मेंशन कर दिया था, नौ लाइन तो आपका हो गया, यानी लगभग आपके 80 से 90 शब्द हो गए भाई, अब आधे और चाहिए, है ना। लेकिन जो भी यूज करें आप टेक्निकल टर्म यूज करें, नॉर्मल टर्म यूज ना करें जिसे पढ़ करके लगे कि हाँ सच में इसलिए कंजर्वेशन की जरूरत है। नाउ अब अगर कंजर्वेशन की जरूरत है तो क्या कंजर्वेशन लॉज है हमारे कंट्री में, हाँ जी कंजर्वेशन लॉज तो भर भर के हैं, एक दो नहीं कम से कम 8 से 10 है केवल फॉरेस्ट पे। तो मेन को आप वहां पे दिखा दें कि मेन कौन सा कंजर्वेशन लॉ है फॉरेस्ट के लिए। शुरुआत करेंगे आप 1927 से, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट,
1927 मौका मिले अगर शब्द की कमी पड़ रही हो तो दो लाइन इसमें ये लिख दो आप कि ये आज से लगभग 100 ईयर पहले की बात है जब ये एक्ट लाया गया था, इसमें चेंज किए जाने की जरूरत है, अर्जेंटली चेंज करने की जरूरत है इसको। इसके बाद आप आ जाओ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, FCA, ये सब अपने आप में अलग अलग है, एक नहीं है ये सब के सब। इसके बाद और भी गुंजाइश अगर बच रही है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कब लाया गया था, 1988। जो मेंस के लिए अगर इस तरीके से पढ़ते हैं प्रॉपर टू द पॉइंट, उन्हें प्री के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्री में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कौन सा एक्ट कब आया था या किस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो मेन मेन जो क्लॉज है, जो प्रोविजन है, वो तो हम देख ही लेते हैं मेंस के टाइम में भी, वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे सपोज करो आप नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, तो जी हाँ ये वही पॉलिसी है जिसमें कहा गया है कि 33% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ये हमारा टारगेट होगा। ये वही पॉलिसी है जिसमें कहा गया है कि हम चेक करेंगे, किसे चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे हम सॉइल इरोजन को, इसे चेक किया जाएगा। सॉइल इरोजन को चेक करेंगे तो और किस चीज को चेक किया जाएगा, सॉइल इरोजन और कहां ज्यादा हो सकता है, डेजर्ट में, तो हम डेजर्ट को चेक करेंगे, डेजर्ट एक्सटेंशन को चेक करेंगे। ये वही है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये कभी 50 के टाइम पे आया था, बाद में अमेंड किया गया। अच्छा, और क्या आपसे पूछा जा सकता है, एक्चुअली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया जा रहा है और इसमें लोगों से मांगा गया था सलाह, अमेंडमेंट किया गया इसमें 2021 में, तो इसपे बवाल मच रहा है कि जो एक तो कम डेट में बोला गया कि सलाह दो अपना फटाफट, और कुछ जो कंजर्वेशन के फैक्टर्स थे उनको डिमिनिश कर दिया गया है। तो जो अपोजिशन पार्टी है उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे आपके जयराम रमेश हैं, मैं उनको काफी अच्छा एनवायरमेंटलिस्ट मानता हूं, तो उन्होंने गवर्नमेंट को बताया था कि ये चीजें आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें, आप इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोविजन को गायब किया जा रहा है, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर टाइम मिले और क्वेश्चन की डिमांड हो तो दो लाइन उसमें आप लिख सकते हैं। मेनली ये तीन एक्ट है, मेनली ये तीन एक्ट है जो फॉरेस्ट रिलेटेड कंजर्वेशन को गाइड करता है। ठीक है, 5 लाइन यहां से हो गए आपके, अगर आप नहीं मेंशन करना चाहते हैं तो 2 लाइन में आप इसे लिखा दो। ठीक है, यहां से हो गए। ठीक है जी, कंजर्वेशन की नीड, कंजर्वेशन की जरूरतें। अब सवाल है कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए वो क्वांटिटी वाला नहीं वाली होना चाहिए, क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। क्वालिटी जरूरी है यहां पे, आप ऐसे सोचेंगे स्ट्रेटजी टू कंजर्व, स्ट्रेटजी टू कंजर्व। ठीक है, एक नॉर्मल भाषा में जिनको मार्क्स नहीं चाहिए और उनको ये लगे कि उन्होंने लिख भी दिया तो सीधा लिख देंगे कि भाई बहुत जरूरी है फॉरेस्ट को कंजर्व करना, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ कहां लगाएं, छत पे लगाएं क्या, पेड़ नहीं लगेगा ना छत पे। तो वही लिखो जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है और जो आम आदमी को समझ में आए। सो स्ट्रेटजी टू कंजर्व में क्या करेंगे, हम फोकस हमारा शिफ्ट होना चाहिए, फोकस ऑन क्वालिटेटिव फोकस ऑन क्वालिटेटिव इनरिचमेंट। आप लोग कहते होंगे ये खुद पढ़ के आता है और वही चीजें बोल रहा है, पार्शियली आप सही होंगे बट ये फैक्ट है। मार्क्स आपको इनके मिलेंगे, मार्क्स आपको इनके नहीं मिलेंगे कि खूब सारा पेड़ लगा दो, एक तरफ पेड़ लगा दो एक तरफ से निकल जाए। आप वहां पे क्वालिटी मेंटेन करो। अदरवाइज देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्लांट लगाए जाएंगे, प्लांटेशन होगा, फॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन, एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे नहीं कि जहां पे टीक चाहिए, यूपी में टीक हो सकता है तो आप वहां पे मोगनी लगा दो, इगोनी लगा दो, राजस्थान में बबूल का पेड़ हो सकता है तो आप वहां पे एवरग्रीन ट्री लगा दो, ऐसा नहीं होगा ना। सो आपने फोकस करना है कि एक तो क्वालिटी को प्रीफर किया जाएगा ओवर क्वांटिटी,
फोकस ऑन क्वालिटेटिव इनरिचमेंट ओवर क्वांटिटेटिव प्लांटेशन, पहला पॉइंट हो गया। इसमें और आप मेंशन करना चाहते हैं और आप मेंशन कर दीजिए। सेकंड, एक ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया था 1980 में, ये 1980 वहां मेंशन नहीं करना है, मैं आपको बस बता दे रहा हूं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको बस इतना बोलना है कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई थी, कहीं ना कहीं इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो इसे जरूरत है, नीड है इसे पीपल पार्टिसिपेटरी बनाने की। लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो अभी उस लेवल तक नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तीसरा, सोशल फॉरेस्ट्री। जब आप सोशल फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो सोशल फॉरेस्ट्री के तीन कंपोनेंट है, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, जिसे आप एग्रो फॉरेस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, ये तो वो चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, जो नहीं किया गया है। ऑलरेडी फॉरेस्ट है और उसे अगर बचाकर रखना है तो ऑब्वियसली आपको फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन प्रोग्राम चलाना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, कॉमन सेंस की बातें हैं, है ना, जिससे उसका नुकसान हो रहा है उन चीजों को करना है। सो ये कुछ स्ट्रेटजी है। अब आप अगर आपको कहा जाए कि आपका क्या सजेशन है, ये तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, JFM जो ISFR आता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसका ये मानना है कि फोकस होना चाहिए क्वालिटेटिव एनरिचमेंट पर ओवर क्वांटिटेटिव प्लांटेशन के, और सोशल फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट भी किसी बहुत ज्यादा होनहार एनवायरमेंटलिस्ट ने दिया है। अब आपका प्रैक्टिकल सजेशन क्या है, तो आपका प्रैक्टिकल सजेशन ऑब्वियसली बिल्कुल आपका होना चाहिए। आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, या अगर मान लो आप स्टेट PCS का पेपर लिखने गए UPPCS का, तो UPPCS में क्या प्लांटेशन हरियाणा जैसा किया जाना चाहिए। हरियाणा का एक जगह मैं ले लेता हूं गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता था, तो गुड़गांव में प्लांटेशन का तरीका यह है, वहां पे फॉरेस्टेशन का तरीका यह है कि वहां की जो पहाड़ियां हैं वहां पे ड्रोन से सीड्स को छिड़क दिया जाता है। क्या यूपी में भी यह स्कोप है, गंगा के प्लेन मैदान में ऐसा करेंगे हम? नहीं, वहां पे तो सिंपल अभी जो गवर्नमेंट, अगर मैं पर्टिकुलरली UPPCS में आ जाऊं या फिर UPSC में आप लिख रहे हैं, स्टेट का दिखा दीजिए, तो यूपी में वहां पे चल रहा है 35 करोड़ मिशन। ये 35 करोड़ मिशन में गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था कि 2023 तक 35 करोड़ प्लांटेशन किए जाएंगे। 27 डिपार्टमेंट को दे दिया गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उनके कुछ और भी स्कीम है, जैसे नव वाटिका, पंचवटी, तो ये सब कितना प्रैक्टिकल चीज है ना। सिंपल एक लाइन में ये बोल दो कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन भाई यूपी को जरूरत है क्या, बिहार को जरूरत है क्या, हरियाणा को जरूरत है क्या? क्या एक ही वो जो कहावत है कि वंस यू डजंट फिट इन ऑल फिट, वो लागू होगा कि नहीं यहाँ पे? तो यूपी का जो स्पेशल है, बिहार का जो स्पेशल है, आप उसे स्टेट वाइज मेंशन करो। सो आप यहाँ पे अगर UPSC का भी मेंशन लिख रहे हैं तो आप स्टेट रेफरेंस देके लिख सकते हैं कि इन स्टेट्स लाइक यूपी। अब यूपी इसलिए कि भाई अकेले ये 10 स्टेट के बराबर है, इसे ज्यादा जरूरत है फॉरेस्ट की, इसे ज्यादा जरूरत है टूरिज्म की, फॉरेस्ट्री वाले टूरिज्म की, तो इसके आप प्रोग्राम को मेंशन कर सकते हो। यहां पे जो प्लांटेशन है, आपका जो सजेशन आएगा वो आपका सजेशन आएगा कि ब्लाइंडली प्लांटेशन करने की बजाय एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग, सिल्वी कल्चर का मतलब ऑब्वियसली होता है प्लांटेशन, लेकिन इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग सिल्वी कल्चर को प्रमोट किया जाए, ठीक है जी। एक लाइन का सजेशन भी सफिशियंट है। अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया आ रहा हो, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री किसी न किसी का दिया हुआ आइडिया होगा, अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया हो तो ठीक है, अदरवाइज कंक्लूड कर दो। अदरवाइज 5 लाइन में फिर कंक्लूड कर दो आप कि भाई ह्यूमन काइंड के साथ बहुत ही वाइटल रिलेशन है, तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, एक प्रोएक्टिव रोल के साथ PPP मॉडल आप डाल दो। अगर इनोवेटिव आइडिया में आप बाकी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आजकल क्या चल रहा है, PPP मॉडल,
प्रोएक्टिव रोल, ये सब ऐसे शब्द हैं जो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। और हां, अगर एसडीजी का कोई है, एसडीजी का कोई टारगेट है, जैसे लाइफ एवोव और एसडीजी 14, आप इन सबको मेंशन कर सकते हैं, जो भी उसमें दो तीन आ जाएगा। अर्बन एरिया का है, आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से एक बैलेंस आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले बारे में हम देखेंगे सॉइल के बारे में, कि सॉइल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड क्या इनोवेशन, क्या सजेशन आप दे सकते हैं।